विश्वासघात का मारा पाकिस्तान। सुनने वाले दोस्त बाबूजी गौर करेंगे बिरहा के माध्यम से। इंसान हमारा भारत देश है, बताया गया है कि सर भले चला जाए लेकिन पैर पीछे ना हटे, इसलिए कि बड़े बड़े पीर पैगंबर बड़े बड़े पीर इस धरती से धरती माँ का कसम खा के इस धरती पर शहीद हो गए। आज भी उनकी गाथा गाया जा रहा है लेकिन बिरहा एक लाइन गजल के टुकड़ा ला श्री माने आपके बीच में बिरहा गायक आप बड़का भैया मेरे बाबू राजनाथ यादव ग्राम बिरईपुर दादा राम कैलाश के आप शिष्य आप हमारे दादा के गुरु आप जी की ओर से बहुत महा पुरस्कार आशीर्वाद के रूप में 101 रुपया का पुरस्कार हुआ। दाता सुखी रखे, परिवार सुखी रहे, सब भैया के नमस्ते प्रणाम बा। मेरे दोस्त भाई साहब भैया 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 बड़का भैया कोई सार ने कहा था आग लगी आकाश में कटकट गिरते अंगार, संत न होते जगत में तो जर जाता। सज्जनीकरण कहा का आकाश है आग में लग आगे का आकाश में लगत काम कहा आग तो तोरे मुंह में लग कहा कैसन का जितना बोलत है कुल गर्म बोलत है नरम बोलबत काम बन जा गरम बोलबत काम बने वाला। बिरहा का प्रस्तुति बाहर किस जगह का मास्टर साहब विदेशिया का भाव है अभी करके बिरहा गाया हाय कहां गया हमारे बदन नहीं आई हमरे चक्कर लड़कियां में माताएं बहने गावो तो ही विदेशिया कैसे कैसे गावे कहां गावा ना कराई पिया घर Una tacha babi de cereza
75 लड़कियां में माताएं बहने गावत रहे। आज विदेशिया कहू तरह के लोग गावे लागे, एक तर्ज कहू तरह के गावे लागे। या भरे के हैदर चचा कहत रहे कि जब ककरी उजरे लागत है टेढ़ टेढ़ बतिया मेरे दोस्त, बिरहा का पतन होता बिरहा बड़ा बिरह से दर्द भी गावा जात रहा। दादा कहे जब गावे लागी हम बच्चे सुनवैया ऐसा रहे ना कि पिशाब लागे तो जूता कह देत रहे लेकिन उठा। अब आजकल जो है मेरा चिट्ठिया के दीदी जानी प्यार को जाके भेल कर है पास सबमनी के गांव के ऐसे यहां हमने दो मती ना करिया हो गोपी चंदा वाले एक लखनऊ शहर राजधानी उत्तर प्रदेश कुंती नगर का पिता का नाम गोपीचंद, माता का नाम ब्रिजमोहिनी, दो बच्चे बताया गया, बड़े वाले लड़का का नाम मनोज और छोटे वाले बच्चे का नाम मोहित। एक बहन रही मनोज का जिकर नाम रहा प्रतिमा। उनका ब्याह हुआ दोनों भाई कैसे रंगे कई दिन माता पिता। मनोज पढ़े में बहुत सुंदर है लेकिन गरीबी ये पार रही दोस्त। समय बहुत बलवान होत बाबूजी, आप लोग कहते समय होत बलवान, भैया समय होत बलवान और फिल्लर लूटा गोपिका हुई अर्जुन हुई। पिताजी रात में एक दिन में मजदूरी करते थे लेकिन मनोज पढ़ने में बहुत सुंदर लड़का था, देखने में भी अच्छा था, गरीबी है पैसा नहीं रहा दोस्त। पर समय कवि ने भाव लिखा एक लाइन बिरह में बड़ी पुराण तर्ज लगा मास्टर साहब।
से आप जी की ओर से 5 रुपया मां पुरस्कार हुआ। मालिक सुखी रखे, परिवार सुखी है, सब भैया के नमस्ते प्रणाम। दौर करेंगे बाबू जी ना, बाबू राम का राज कहा है, वक्त पे जो आए काम कर जाए उसी को शमशीर कहते हैं, चूरा जब दूध में चावल उसी को हाँ लगे, जब सीना में चुभ जाए उसी को रण में जूझ के जब मर जाए उसी को। मनोज घटे घटे श्यान हो तो गरीबी पार बा, पढ़ाई पढ़ा तो चर्चा चलता। बाबू जी गरीबी इतनी अपार थी, इंटर किया, इंटर में के बाद खुली भर्ती गाजीपुर से हुआ और मेला भर्ती में दौर में फर्स्ट क्लास आई है, दौर में फर्स्ट क्लास हुआ, मेडिकल हुआ और इसके बाद उसको एक कॉल लेटर मिल रहा है शाम की कि आप लड़के लड़का हो गए मनोज जी, आपको 15 तारीख का जबलपुर में ट्रेनिंग है। अच्छा सर ठीक है सर, जय हिंद सर, कोई बात नहीं बेटा। आके मनोज अपने घर घंटी नगर माई के चरण छुए ला, पिताजी के मोहल्ला वाले को लोग कहे माई विश्वास करे, कहे याद ते बेटवा ते लफंगा मनोजवा 420 कहा मार कहा उड़ाऊ और तब पढ़ाऊ नहीं जाने रहे माई, तोर कसम खाए कहत है गुरु की कसम, सतगुरु की कसम खाए कहत है कि हम फौज में हो गए माई, यहाँ देख ले लेटर मिला बा अब 15 तारीख के हमार छबलपुर ट्रेनिंग। सुने वाले दोस्त इतनी बात कहा अपने माता पिता से, मोहल्ला में चारों कोती चर्चा हो तो आप लोगों को है यार गोपी चंद के दूठ लड़का रहे, बड़ी गरीबी रही बेचारा, मेहनत करत रहा, मजदूरी करत रहा, लड़का रात में रिक्शा चलावत रहा, तो हमारे गोपी चंद का लड़कवा मनोजवा मिलिट्री में हो गए, आर्मी की सिपाही हो, लोग ताजिक समझे लगे, चला पता लगाई अड़ोस पड़ोस में आए सब लोग देखे तो यहाँ दोस्त लोग आशीर्वाद देते हैं, तभी के लिखे बड़ा एक लाइन दे हम कर्ज लगता राधा जी के कुंवरा कन्हैया, राधा जी के कुंवरा कन्हैया बुलाए लापत, दोनों भाई की ओर से 101 रुपया पुरस्कार हुआ। मालिक सुखी रखे, परिवार सुखी रहे, बार हमार हिंदुस्तान हमारे देश के जवान इस धरती के कारण अपने माँ की कसम खाकर बाबू जी कितने जवान इस धरती माँ की सेवा कर रहे हैं, गौर करेंगे बाबू जी का चर्चा होता, पूरे लखनऊ में का चर्चा का होता जाके कर गई नौकरिया कसम से सतगुरु को कसम खा कहते तोर कसम माई, तो पैदा के है महतारी न महीना अपने पेटे में ले रहे माई, हम झूठ नहीं बोलते है तोर कसम, सब दिना झूठ बोलत रहे लेकिन सच्चाई बात बोलत रहे माई, हम आप ट्रेनिंग का देख ले लेटर मिला ममाई जाए के बाद हमके जबलपुर, अब माई ट्रेनिंग हो जाए ना
तोर कसम खा कर तो पहली ड्यूटी हम जम्मू में आतंकवादी के एकदम खत्म कर दे माई तोरे आशीर्वाद से। कहा था लड़का साठ क्षेत्र पंचायत बी डी सी आप जी के ओर से 51 रुपया का महा पुरस्कार हुआ। मालिक सुखी रखे, परिवार सुखी रहे, परमादरणीय सेवा में श्रीमान बाबू बड़ेलाल यादव ट्रक ड्राइवर बुढ़िया तालाब रामापुर के धरती से 51 रुपया का महा पुरस्कार के दोनों महान धुतियों को चरण प्रणाम सब भैया के नमस्कार। में गाना एक छोटा सा प्रसंग है, पारिवारिक गीत है और एक जवान की दास्तान है, दोस्त गौर करेंगे। भारत माई का चुनरिया श्रीमान बाबू राम पूजन पूरे गोसाई के धरती से बहुत महा पुरस्कार 11 रुपया के मालिक सुखी रखे, परिवार सुखी रखे। ए बड़ो ए बेटा ए आ माई कहा बेटा जात है, बाबू साहब गया 9 महीना ट्रेनिंग हुआ जबलपुर से, जब लाल आज ट्रेनिंग से माई के चरण चूत पूरे मोहल्ला में मिठाई उठाई बटवास खुशी की एक मास्टर साहब लहर आए। करे बाद मनोज कह रहा कि माई हमार 5 तारीख के ड्यूटी लग गवा महतारी बाप दोनों बड़ा खुशी है ने एक कलती गंबा काही गंबा कि दुठिने हमारे लाल बहन है हम लोग इतने मेहनत से पढ़ाए लेकिन ये अपने बच्चा अपने मनोज के हरकत रहे लेकिन ये हमारे लड़का फौज की नौकरी करते कि खुशहाली बा तो ठीक है लेकिन ये धरती माँ हे सतगुरु महाराज हमारे बेटा के हमेशा खुशहाल रखे और पैर आगे बढ़ जाए लेकिन धरती माँ का कसम पैर पीछे। सुने वाले दोस्त इतनी बात पिताजी कहकर कि बेटा आप 5 तारीख का जावे लेकिन अपने बहनिया के रज के हाल चाल प्रतिमा का हाल चाल नहीं ले बेटा हमारे की समय एकदम नजदीक है आपको जाना ही जाना। अच्छा पिताजी ठीक है मेरे दोस्त दोनों भाई तैयार होके अपने बहन सिस्टर के ही आ जा रहे हैं और बड़े प्रेम पूर्वक से बहिनिया जब देखे दौड़ के आए कि हमारे मनोज भैया गरीबी जब रही तब लेकिन नौकरी पाए गए लेकिन नई बाहर आइए पानी लेके आए मास्टर साहब अपने भैया के चरण छी का आशीर्वाद लेता अब कहा तो बहिनिया का भैया कर दिहा निकला तब फिर लग
परम आदरणीय सेवा में श्रीमान धर्म खमरे बड़का भैया साधु यादव बिच्छू के धरती से बाबूजी को 101 रुपया पुरस्कार हुआ। चरणों में प्रणाम बस भैया के नमस्कार बा। भैया मनोज मोहित गए, बहनिया बड़े प्रेम से प्रतिमा जलपान और पान कराए। मनोज भाई कहे लागन की दीदी अब हम जात ही है, हम जात ही है, हमार 5 तारीख गए ड्यूटी बा, जम्मू में लगा बा है ड्यूटी, आ जात है छुट्टी पर, अब मिले छुट्टी पर आओ, जवन जवन कहो तो कश्मीर से सामान ले आओ। बहनिया के बाबू जी इतनी बात करके अब मनोज भाई अपने जेब में से मास्टर साहब 100 रुपया नोट निकाल के आशीर्वाद के रूप में भाई और बहनी के प्यार देख रहे दे लागे। बहनिया के टप टप में आंसू गिरे लगा। बहनिया इतनी बात कहते हैं जगह पर क्या कहता पैसा जिंदा भैया के पैसा से छीलो भाव हमार तन के भाई है, हमार के बहन है, हमारा एक अभिलाषा आशा रहा कि हमार माता पिता बहुत दुख में बड़ी गरीबी झेले, इन माई की कृपा से धरती माई की कृपा से हमार भैया ठनी इस धरती के जवान हो गए और हमारे धरती माई की सेवा करें। भैया आप हमके राखी को बनाई, भैया हमके पैसा देते ना भैया, ना रुपया न चाहे पैसा न चाहे, बहनिया कहता है का बर्दाश्त नहीं कर पात, कमजोर करेजा के बाद रोए लागत है। माताएं बहन गावत है सुने है कि नहीं? हरी मोरे राजा पार्टी जा करे जावा बाबू राम कैलाश कहे उतर के 4 मरे भूत है, पहला पैदा दूसर का बिया तीसर का बच्चा चिंता है अपने आप मर गए तो बाहर कहता है क्या कहता श्रीमान धर्म के हमारे बड़का भैया ज्ञान बहादुर यादव प्रतापगढ़ के धरती से 1001 रुपया मात्र पुरस्कार हमारे काका जी की ओर से प्रदान हुआ।
चरणों में प्रणाम बहा सब भैया के नमस्कार जोरदार अच्छे ताली आप लग हो जाए रे। एक शहीद की बात है आपके बीच, एक जवान की बात है आपके बीच में हो रहा है, ताली नहीं बजत बजाओ था आप लोग दूसरे सर की मारी है कि जो हमके फायदा के ये दोनों को महिमा परम पार हो भैया, लेकिन हमको पैसा दे के जो लभाओ भैया। आप कैसन वीर रहे इस धरती पर, बड़े बड़े चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जो कि देश के लिए जान दे दे भैया, अगर जरूरत हो झांसी का रानी है भैया, कैसे जंग की लड़ाई है, अगर जरूरत पड़े भैया तो हम हो आओ। सुनो यार दोस्त, तेरी बात बहन कर कह के बाबूजी आंख से आंसू गिराता है, पर कौवा भाई मनोज जो फौजी हुआ है अपने बहन के आंसू पोछा था कि दीदी रोज ना जल्दी तब पागल नहीं थे, इस संसार ही मालिक का बगिया है, कौन चीज जल्दी प्लस माइनस इतना जल्दी न उतर, ये माई की कसम खाई का जात है, एक माई पैदा के दूसरे के माई की सेवा करे जात है। मेरे दोस्त आशीर्वाद दिए दोनों भाई, खुशहाल रहो, अपने सास ससुर को बहन सेवा करो, हम आएंगे फिर। इतनी बात कही के मास्टर साहब दोनों भाई अपने घर अपन बिहार टीवी बोल रहा हाय। अरे कुर्बानी भारत माता के लिए, पानी कुर्बानी भारत। सुने भैया वो जवान आया मनोज और माता पिता से कहने लगा कि माई अब बस हमके काल जाए के बाद पंजाब में ट्रेन पकड़े के बाद माई सारा इंतजाम ब्रजमोहिनी कह चुकी की बेटा आप जाबे बेटवा लेकिन सरूर से रह लाल, इसलिए कि हमार परिवार कभो कतो मास्टर साहिब क्या नहीं है बेटा, समर के जा समर के रहा और बेटा चिकन नमक खाया करे समय आदा के है। सुने रहे दोस्त बड़का भैया जवान अपने माई और बाबू को चरण छू के छोटे भाई पहुंचे चार बाग लखनऊ स्टेशन, पंजाब मेल ट्रेन पर बैठा के आंख से आंसू छटकवा भाई के गिरे तो बड़कवा भाई कहत भैया तू जा फिर यहां लौट के, अब तो मालिक सुन ले हाँ ना, अब एक नौकरी मिल जाओ माई की कृपा हो तो तुहो के जवान बनाओ। इतनी बात कह बाबूजी गाड़ी खरीदे में आगे बढ़ा जाता है जवान मास्टर साहब, लेकिन बिरहा में कलाएं बड़ी रंगीन करने लगे। गुलाम थान रेजी शासन था, नेता सुभाष चंद्र बोस गांव गांव में माताओं बहनी से एक भीख मांगा था,
पूज्य सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नारा था, माई हो ललनवा दे दे बहिनी हो बिरनवा दे दे तेसवा के खाते भौजी आपन। हाँ आप लोग पढ़े हो न, यही तो हमारे देश के जवान कहते थे कि आप हमको आजादी दो हम आपको खून देंगे। मेरे दोस्त तो कोई सकत है ऐसे, आजकल सारा काम यारे चलता है। हाँ बड़का भैया इसी भाव में कहना वो भी रहा में का में बिरहा का शानदार मुकाबला प्रेमचंद के विरुद्ध प्रियंका माधुरी स्थान विरोधी गोदाम पट्टी प्रतापगढ़ के धरती पर 3 तारीख के लिखाया है। समय लड़ाई होता, जवान रोज शहीद होता, कोई बिहार का, कोई उत्तर प्रदेश का, कोई मध्य प्रदेश का, कोई झारखंड का, कोई बाबूजी हाजीपुर का, जवान रोज शहीद होता है। उस समय बाबू राम कैलाश के गीत भी रहा, हम लोग पटना में थे और लालू यादव वहां समय है, 25 लाल टेम जलाए के उद्घाटन कर रहा, तब से पता चला कि एक शहीद आ चुका हुआ, फिर वापस चला गए उसके अंतिम संस्कार श्रद्धांजलि के लिए। जवान मारा जाता घुस बैठी आए के एकदम से मास्टर साहब बैठ गया, रोज हिंदुस्तान का जवान मारा जाता, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के जवान पकड़ नहीं पाए फल है। और वही समय योगेंद्र यादव गाजीपुर और मनोज लखनऊ दोनों का 11 जवान के साथ में सरगना बनाया गया बटालियन की, आप लोग 18 फीट के ऊंचाई पर आप लोग आतंकवादी देखिए किधर से आ रहा है, घुसपैठी और किधर जा रहा है। दोनों जवान बाबूजी AK-47 लेके पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण देख रहे हैं मेरे दोस्त, लेकिन होत का बाबू जी आधा के भाव में कहना बाबा मास्टर साहब नहीं।
घुस बैठी इधर से आवा का कहां घुस सकता। मनोज साइड में खड़ा है योगेंद्र यादव देखत है। जब तक एक आतंकवादी ने 47 मास्टर साहब 4-5 गोली लगाए मनोज यादव को सीना चीरे के बाहर निकल गया। मनोज गिर गया वही जमीन पर योगेंद्र यादव के दहिने पांव में लग गया। योगेंद्र यादव ठंडी का समय था बाबूजी, बड़ा मेहनत हुआ ठंडी होते लेकिन उस समय ठंडी का समय था। मफलर लिए थे अपने पांव में योगेंद्र यादव वाले कहा भैया चिंता जी कर मनोज भैया तो कहा अब भाई फोन कर थे गाड़ी आ होता है तो कहा हॉस्पिटल ले चला। मनोज बोला कि योगेंद्र भैया समय खत्म हो गए हो तो एकदम निराश चुका हुआ लेकिन हमारे माई बाबू के संदेश दे रहे भैया वह कर जाए अपने पापा भैया हिंद के सुधार किया गया फोन किया गया गाड़ी आए तब तक मनोज के गाड़ी में बैठाओ तहन ले जाते हैं हॉस्पिटल। रास्ता में मनोज यादव ने दम तोड़ दिया पूरे दलबल के साथ सेना के साथ एक ताबूत में उनकी लाश रखी गई और सेना नायक सेना के जवान वही सलामी किए। कुछ सेना लोग लेकर चल दिए कहां लखनऊ क्योंकि पहले हमारे जवानों का मास्टर साहब लाश घर तक नहीं पहुंचा था। टोपी और केवल जूता पहनते रहा लेकिन माननीय मुलायम सिंह यादव जी का देन है कि जो देश के लिए जवान शहीद हो जाए उनकी पार्थिव शरीर उनके घर उनके परिवार वालों को दिया जाए। और अखिलेश भैया आया तो 10 लाख रुपया तक ऐलान किए 10 का 20 लाख ऐलान किए मेरे दोस्त क्योंकि हमारे देश के जवान ने धरती माँ के लिए अपनी जवान गंवाई। बाबूजी आए लखनऊ में चारों बजे हाहाकार हो गया अखबार में निकलना भारत टाइम्स दैनिक जागरण अमर उजाला में कि एक गरीब का जवान मनोज यादव आज दुनिया से चला गया ये धरती माँ के कारण अपना जिंदगी त्याग दिया। बाबू साहब चारों कोती हाहाकार होते लेकिन माई बाबू कहते हैं रे साहिब रे साहिब हमारा बेटा मरा नहीं हमारा बेटा जिंदा बा हमारा बेटा दारू पी के शराब पी के नाला नहीं मरा बा हमारा बेटा अपने माई अपनी धरती माँ के कारण ये जवान हमारा शहीद हुआ। अब साहेब हमारे का लाल और बा मोहित नाम बा जरूरत पड़े साहेब इहो लड़कवा हमार जाए सेवा करे। आखिरी लाइन अंतिम संस्कार किया जा रहा है गोमती नदी के किनारे बिरहा आखिरी लाइन आइए अगली पार्टी को इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय जी से यादव भैया से निवेदन बाहर है तू जाना यादव
बड़का भैया, आज भी आप लोग कहीं कब जब भी लखनऊ जय गोमती नगर चला जाए मोहल्ले में तो मनोज के नाम से एक चौराहा बनाया गया, क्योंकि ये जवान देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए, अपने धरती माँ के लिए शहीद हुआ है। अंतिम संस्कार किया गया, माता पिता पूरे जवान के साथ सम्मान के साथ सम्मान किए, पूरे देश में हाहाकार हुआ। आज भी ये धरती पर हमारे देश के जवान कभी मास्टर साहब पीछे नहीं हटते हैं, हमेशा आगे बढ़ते हैं। हमारे देश का यही नारा है, जय जवान।